हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइब्रेंट क्लासेस। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते रेलवे का, उसी का आज 13वां लेक्चर है। ठीक है, डोज 13वां आज। दोस्तों, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो वो कृपया करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना भी डोज करवाएं प्रीवियस ईयर का सारा देख लीजिए। इसका प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है, ठीक है। देखिए, आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला एग्जाम है। CBT 2 या तो ग्रुप डी, दोनों में फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, कायदे में काम कीजिएगा तभी फ़ायदा होगा। ठीक है, और हम लोग जनरल साइंस का भी क्वेश्चन कवर करते हैं बेस्ड ऑन NCERT। फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं डेली 15-20 क्वेश्चन शाम को। तो ज़रूर जुड़ जाइए और देखिए इसको, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। ठीक है, चलिए तो हम लोग का आज क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए NTPC एग्जाम CBT 2 का तैयारी कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, डोज 13, डोज 12 हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, डोज 12 लगभग रहा है। 300 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं प्रीवियस ईयर अभी, और अभी जनवरी पूरा 1 फरवरी तक हम लोग को करने का टारगेट है। ठीक है, लगभग 1500+ क्वेश्चन अचीव कर लेंगे 110% गारंटी के साथ। इस बार रेलवे पार करना चाहे जो भी हो जाए, एक सीट लेना लेना है NTPC या ग्रुप डी में। ठीक है, 1500+ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम लोग टारगेट है। चलिए हम लोग करते हैं क्लास स्टार्ट बिना किसी देरी किए हुए। इन विच ईयर वाज द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया स्टेब्लिश? एक्जिम बैंक एक्सपोर्ट 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 इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया स्टेब्लिश कौन सा ईयर में हुआ था? 1998, 1982, 2004, 1984। तो देखिए, 1982 में हुआ था। ठीक है, एक्जिम बैंक कौन सा एक्ट? एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981। कौन सा एक्ट? 1981 के तहत 1982 में इसका इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? मुंबई में है। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। एक्जिम बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में, और इसका जो MD और CEO है, MD एंड CEO कौन है अभी? MD एंड CEO अभी शायद हर्ष बांगव करके है, हर्ष हर्ष बांगव। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, क्या कि CBTO ने दिया हुआ एक्सपोर्ट एग्जाम को बैंक का स्टेब्लिश पूछा, तो हो सके यहाँ पर हेडक्वार्टर पूछ दे या CEO पूछ दे इसका, हर्ष बांगव इसका है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाल, उसमें बोला कि वालकनो कौन नहीं है, कौन नहीं है, सो ध्यान दीजिएगा कौन नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए, माउंट ब्लैंक, देखिए ये नहीं है, ये माउंट ब्लैंक क्या है? ये माउंटेन है। ठीक है, हाईएस्ट माउंटेन, हाईएस्ट माउंटेन है इन एल्प्स, कहाँ पे? एल्प्स में, कहाँ? यूरोप में है। ठीक है, हाईएस्ट माउंटेन इन एल्प्स यूरोप में। ठीक है, माउंट ब्लैंक है। देखिए, माउंट वेसुवियस, कोटापक्सी एंड माउंट टिटैनस क्या है? वाल्केनो है। ठीक है, चलिए वाल्केनो तो हम लोग जान ली कहाँ, लेकिन ये भी देखिए जगह कहाँ पे है, ये आता है एग्जाम में कौन सा माउंट वाल्केनो कहाँ पे है। ठीक है, तो माउंट वेसुवियस कहाँ पे है? ये माउंट वेसुवियस कहाँ पे है? इटली में। कहाँ पे है? इटली में, इटली में। कोटापक्सी कहाँ पे है? कोटापक्सी इक्वाडोर, कहाँ पे है? इक्वाडोर में। ठीक है, अब माउंट टिटाना, ये तो इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार आया भी है। ठीक है, ये NCERT का क्वेश्चन है, माउंट टिटाना इटली, याद रखिएगा। ठीक है, माउंट टिटाना इटली, कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए, हाईएस्ट माउंटेन माउंट ब्लैंक, इसका आंसर ही हो जाएगा। विच इंडियन बॉर्न स्वेटिश इन्वेंटर पायनियर्ड द डेवलपमेंट ऑफ द कैश मशीन, जो ऑटोमेट ATM जो जाते हैं हम लोग पैसा निकालते हैं, कौन डेवलप किया था वो पूछा है। ठीक है, सीधा तो इसका जॉन्स गुडफेलो नहीं, लूथर वेटजेल, जॉन स्नेफर्ड बैरोन, यही है, जॉन स्नेफर्ड बैरोन इज द राइट आंसर। ठीक है, ATM का डेवलपमेंट किया था जॉन सेफर्ड बैरोन, जो कि स्कॉटिश है, स्कॉटलैंड के बिलोंग करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया फ्लोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट? ईस्ट टू वेस्ट मतलब कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर पूछा है बेसिकली, बेसिकली ये क्वेश्चन है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर बता दो। ठीक है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर देखिए कौन कौन सा है, नर्मदा, ताप्ती, नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, साबरमती हो गया, साबरमती हो गया, माही हो गया, और पेरियार हो गया जो केरला में है। ठीक है, तो ये सब है देखिए वेस्ट फ्लोइंग रिवर। देखिए ऑप्शन में कौन सा है, महानदी, गोदावरी, नर्मदा, नर्मदा इसका राइट आंसर। ठीक है, याद रखिए वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन कौन सा है, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही, पेरियार। ठीक है, विच वाज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव ए कम्युनिस्ट गवर्नमेंट? कम्युनिस्ट गवर्नमेंट कौन सा स्टेट पहले लागू किया था, कौन सा स्टेट? तो ऑब्वियसली बात है साउथ वाला कंट्री का स्टेट होगा कोई भी, तो देख लीजिए कौन सा है, वेस्ट बंगाल, केरला, त्रिपुरा, सिक्किम, तो केरला राइट आंसर हो जाएगा, तभी यहाँ ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलता है केरला में।
हु रोट द प्ले मुद्राक्षा, मुद्राक्षा प्ले रोल किसने प्ले किया, मुद्राक्षा, सोमादेवा, बोधियान, कालिदास, विशाखा दत्ता। तब मुद्राक्षा कौन है, विशाखा दत्ता इधर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, विशाखा दत्ता। हु आर द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फर्स्ट पूछा चीफ इलेक्शन कमीशन इंडिया कौन था, तो सुकुमार सेन थे। कौन थे, सुकुमार सेन फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन था, ठीक है। हमारे ओमिन ने पूछ दे, तो ओमिन ने फर्स्ट कौन थी, ओमिन ने फर्स्ट कौन थी, रामा देवी, रामा देवी इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमीशन बनी थी रामा देवी, लेडीज में, ओमेन में फर्स्ट थी, और उससे पीछा जो जेंट्स में, तो सुकुमार सेन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी कौन है, अभी सुशील चंद्रा, फिलहाल अभी कौन है, नाउ सुशील चंद्रा, सुशील चंद्रा है, ठीक है। कितने नंबर का चीफ इलेक्शन कमीशन है, 24 नंबर का, याद रखिएगा। अभी है सुशील चंद्रा, 24 नंबर का है, ठीक है। और फर्स्ट थे सुकुमार सेन, और वोमेन में थी रामा देवी, याद रखिएगा, सब चीज़ बता दी, इससे क्वेश्चन आएगा तो बाहर नहीं आएगा। एज अक्टूबर 2020 हु वाज द चेयरमैन ऑफ द सेबी, सेबी का पहले फुल फॉर्म भी आता है एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, क्या है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का है, ठीक है। इसका चेयरमैन कौन, अजय त्यागी है, कौन है, अजय त्यागी इसका चेयरमैन है। ये 2022 तक बने रहेंगे, ये फेबररी तक, ठीक है, फेबररी 2022 तक बने रहेंगे, 2017 में इसका चयन हुआ था, 2017 में, ठीक है। तो अजय त्यागी देख लीजिए ऑप्शन का, अजय त्यागी ये है। सेबी, सेबी का हेड क्वार्टर कहाँ है, सेबी का हेड क्वार्टर कहाँ है, मुंबई में हेड क्वार्टर, कहाँ पे है, मुंबई में हेड क्वार्टर सेबी का। और सेबी कैसा बॉडी है, स्टेचरी बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी, सर ऑप्शन आता है ना, तो रेगुलेटरी बॉडी है स्टेची सेबी, कैसा बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी है सेबी, ठीक है, याद रखिएगा, रेगुलेटरी बॉडी सेबी है, हेडक्वार्टर मुंबई में, और इसका जो चेयरमैन अभी अजय त्यागी जी है, जो 2022 फरवरी तक बने रहेंगे। चलिए, हु वाज द फाउंडर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट को डब्ल्यू सी बनर्जी सबको पता है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं, दादा भाई नेहरू जी नहीं, ये भी नहीं, डब्ल्यू सी बनर्जी, देखिए 1885 कहाँ पे, कौन से फर्स्ट सेशन कहाँ, मुंबई में हुआ था, ठीक है, बॉम्बे में हुआ था। इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, कि जब फर्स्ट सेशन हुआ था डब्ल्यू सी बनर्जी द्वारा जब मुंबई में हुआ था, तो टोटल कितना मेंबर पार्टिसिपेट किए थे, टोटल मेंबर, टोटल मेंबर कितना पार्टिसिपेट किए थे, तो याद रखिएगा 72, कितना थे, 72 लोग पार्टिसिपेट किए थे मेंबर यहाँ, ठीक है, फर्स्ट सेशन ऑफ INC का जो डब्ल्यू सी बनर्जी द्वारा किया गया था, मुंबई में 72 लोग शामिल थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 पैकेज, कौन सा नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कौन नहीं है, वन नोट है, आउटलुक भी है, एक्सेल भी है, की नोट नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा की नोट, ठीक है, की नोट इज द राइट आंसर। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन अनुशीलन समिति, अनुशीलन से बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुशीलन समिति, ठीक है, अनुशीलन समिति, ये कब स्टार्ट किया गया था, 1902 में, ठीक है, 1902 में, कहाँ, कलकत्ता में, कलकत्ता में, कौन किया था इसका फाउंडर, कौन है, पी मित्रा करके याद रखिएगा, ठीक है, पी मित्रा, अनुशीलन कमेटी, कौन, पी मित्रा, ठीक है, ये स्टार्ट किए थे। तो इसका पूछा कौन कौन सा मेंबर था, कौन नहीं, सो पूछा है ना, नोट पूछा है, तो बताते हैं, तो इसका याद रखिएगा, फाउंडर याद रखिएगा, पी मित्रा फाउंडर है अनुशीलन समिति का, कलकत्ता में 1902 ईस्वी में, ठीक है। चलिए, वीरेंद्र कुमार घोष, अरविंदो घोष का छोटा भाई है, ये तो था ही, भूपेंद्र नाथ दत्ता ये भी था, राजेंद्र लहरी ये नहीं था, जतिन कुमार बनर्जी ये भी था, मतलब कि राजेंद्र लहरी इधर राइट आंसर, ठीक है, ये नहीं था, राजेंद्र लहरी ये नहीं था, ठीक है। चलिए, राजेंद्र लहरी ये नहीं थे, बाकी सारे थे, वीरेंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र कुमार नाथ दत्त, जतिन नाथ बनर्जी सारे थे यहाँ पे। और इसका फाउंडर पी मित्रा, कलकत्ता 1902 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है, खून के बदले खून ऐसा कुछ नारा था इसमें, खून के बदले खून, अनुशीलन समिति। चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग पोर्ट्स लाइज ऑन ईस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट में कौन सा पोर्ट, तो देखिए ईस्ट कोस्ट टोटल 7 पोर्ट है, कौन कौन है, टूटीकोरिन तमिलनाडु में जो है, चेन्नई, इन्नौर, विशाखापट्टनम, प्रदीप जो उड़ीसा में है, हल्दियापुर जो कोलकाता में है, एंड पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार में है, ठीक है। तो देखिए ईस्ट में जो नाम जितना बोले तो इसमें से टूटीकोरिन राइट आंसर हो जाएगा, ईस्ट में, कंडला तो गुजरात, कोची, नवा सेवा ये तो महाराष्ट्र, मुंबई को बोलते हैं इसको, ठीक है, तो इसका टूटीकोरिन हो जाएगा राइट आंसर, याद रखिए, 7 टोटल 7 है बताया ना, कौन कौन सा है, टूटीकोरिन, चेन्नई, इन्नौर, विशाखापट्टनम, प्रदीप जो उड़ीसा में है,
हल्दिया जो कलकत्ता में है, पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार में है, ईस्ट कोस्ट इन इंडिया, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन नहीं है सो पूछा, ठीक है। उबंटू ये है, एंड्रॉयड तो है ही है, मिंट भी है, तो टॉली टैली ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। ये इधर राइट आंसर हो जाएगा 3। सारा प्रीवियस और क्वेश्चन दोस्तों पसंद आ रहा हो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। और देखा कीजिए, बहुत बेनिफिट होगा आपको एग्जाम में। देखिए ब्रोसिका कम, देखिए दोस्तों बोटेनिकल नेम और साइंटिफिक नेम एक क्वेश्चन आ ही रहा है, ठीक है, जहाँ तक एनालिसिस किए जितना क्वेश्चन में, जिससे क्या होगा हम लोग एक अलग से टॉपिक, इसको चैप्टर टॉपिक कवर करना पड़ेगा बोटेनिकल नेम के नाम से, जो कि 8 से 10 मिनट का वीडियो होगा, सारा उसमें करा देंगे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि एक एक हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया ही आया है, तो कराना बहुत ज़रूरी है इस पर। ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस इधर साइंटिफिक नेम किसका, मस्टर्ड, ताकि इसका आंसर मस्टर्ड ही हो जाएगा, ठीक है। इसका ब्रासिका मस्टर्ड, इसका ट्रिक के साथ हम बना रहे हैं अभी, ट्रिक इसका बना रहे हैं, जैसे ही बन जाएगा आप लोग को 15 20 25 जितना भी होगा सारा करवा देंगे, देख के जाइएगा, आपको एक क्वेश्चन पक्का यहाँ से आने वाला है, ठीक है। चलिए, तो इसका का वीट का क्या नाम है, वीट का देखिए ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ट्रीटी कम एस्टेबियम, देखिए ट्रीटी कम एस्टेबियम इसका वीट का है, ठीक है। और बक वीट का क्या है, बक वीट मतलब सीडो सीडो सेरल्स, ठीक है। कॉर्न का क्या है, मेज, ठीक है। इसे पूरा मतलब 15 20 करवा देंगे, टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन वहीं से आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरी जर्नल वाज नॉट पब्लिश अब्रॉड, जो अब्रॉड में नहीं किया गया है, तलवार किया गया, इंडियन सोशलिस्ट किया गया, युगांतर, युगांतर ने किया गया था, युगांतर का कहा था, ये डेट शायद 1908 था, शायद देख लीजिएगा, शायद 1908 था, ठीक है, युगांतर का। चलिए, युगांतर इधर राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए, बहुत ख़त्म हो गया, तो इसलिए आज का लेक्चर हो गया, और देखा कीजिए वीडियो को और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और शाम को जो पोर्शन लोग कवर करते हैं साइंस का, वो भी देखा कीजिए, एनसीईआरटी का बेस्ट है, मतलब बेस्ट, टोटली बेस्ट है एनसीईआरटी, मतलब प्योर क्वेश्चन जो एनसीईआरटी को वही करा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग जुड़ जाइए चैनल से जितना जल्दी हो सके और इन्जॉय कीजिए इस सीरीज को, ठीक है। चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।